रुकता नहीं एक पल भी। जब से तूने है वैक्सीन लगाई दर्द रुकता नहीं एक पल भी। जब से तूने है वैक्सीन लगाई मैंने पहना डॉल भी है खाई। मैंने जब उसके हाथों में देखा एक छोटा सा जो किशन पकड़ा था मैंने सोचा हाय हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं दरगाह फजल करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन जो है बाजू वो ठीक नहीं है, बहुत ही दर्द कर रहा है मेरा बाजू रात से। तो सारी रात जो है वो मैं सोया हूँ, सीधा ही लेटा रहा हूँ। करवट भी जो है वो लेना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, बहुत दर्द कर रहा था ये, पता नहीं क्या है। ऊपर से वो कह रहे थे इसे मलना नहीं है, इसे मसलना नहीं है, बस लग गया है तो इसे छोड़ दें ऐसे ही। तो मैंने तो सोचा कि छोटा सा है, खैर है, तो लग गया उसके, तब महसूस नहीं हुआ इतना। रात को इतनी दर्द हुई है, फिर वो अभी भी ऐसे बाजू मेरा ऊपर जा ही नहीं रहा, ऊपर उठ नहीं रहा। ये देखे बस इतना सा होता है। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि मैं बाजू ये जो है ना यहाँ पर लेके जाऊँ, लेकिन ये नहीं काम कर रहा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी भी, और थोड़ा सा सूजन भी हुई है। तो इन्हीं को मैं जो है वो हालात को बता रहा था, तो इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग में लगा देता हूँ। वैसे ही मैं ऐसे घर में मस्करियाँ करता रहता हूँ, सॉन्ग को बिगाड़ बिगुड़ के बना देता हूँ सॉन्ग को, ऐसे ही गाते गाते अल्लाह का शुक्र है। बस पता नहीं कैसे रवानी में कोई ना कोई चीज़ बन जाती है। तो वैसे मैं कभी कभी सोच रहा हूँ कि अपना कोई गाना ही बना दूँ। एक बार मैंने गज़ल भी लिखी थी तो वो मुझे मिली नहीं, उसके बाद मैंने रखी थी यहाँ पर काफ़ी देर से पहले की, तो उस दिन मैं ढूंढ रहा था नहीं मिली मुझे। तो आज फिर देखते हैं सारा दिन कैसे गुजर रहा है। भाई कह रहे थे कि अगर कोई काम वगैरह करो, इससे थोड़ा सा कोशिश करो, कोई थोड़ा वजन उठाओ, कुछ काम करो आस्ता सा, ये ठीक हो जाएगा। अगर ऐसे पड़े रहोगे तो फिर तो ये ठीक नहीं होने वाली। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कुछ करते हैं उठ के, क्योंकि इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रही है, और मेरी तो इसने बस करवाई हुई है अभी तो फिलहाल। जी आज मांगने वाले बहुत आ रहे हैं पे, और अभी वो आए हैं ऊंट भी अभी आए थे पहले, वो मैंने वीडियो बनाई है। तो अभी ये वैसे मांगने वाले आ गए हैं, तो ये मुझे तो ये प्यारी लग रही है, देखें। ये बहुत ही जो है ना पुराना इनका आइडिया और तरीका है कि काफ़ी, जब मुझे अभी याद है जब मैं छोटा था तब भी ऐसे ही लेकर आते थे बनाकर। तो ये जो पंख है ये लगा होता था उसमें, इसमें ज़्यादा है और रंग बिरंगे हैं, तो खूबसूरत भी लग रही है। और ये तो मुझे आज तो इन्होंने बचपन की याद, मैंने काफ़ी अरसे बाद यह देखी है जी। कुछ दिन पहले मैं गया था अरसलान की शॉप पर, मैंने कहा था चलो यार बाल वगैरह कटवा रहे थे, तो उसने तो वो तो काटे नहीं, तो खत मैंने करवाया, तो उसने ना यहाँ पर वो उस तरह के साथ किया था, तो वो ब्लेड जो लगा तो मेरे वो यहाँ पर जो है वो वैसे तो ब्लेड उसने चेंज किया था, और उसका भी वो डिटॉल से धोया था, लेकिन फिर भी वो ये सारे यहाँ पर जो है वो पिंपल्स निकल आए थे। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने उसे बताया कि यार ये ऐसे ये सारा हो गया, ये वाला हिस्सा ख़राब हो गया। तो उसने कहा कि यार आप ऐसा करें कि एक नया ले लें, मैं तो कहता हूँ क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं होता, तो आपका थोड़ा बहुत जो पैसे लगेंगे इसे नए ले लें एक कैंची उस तरह। तो मैं पहले सोच रहा था कि मैं नया ले लूँ, तो उसने बताया, तो मैंने कहा चलो एक दिन ऐसे मूड बना, तो फिर मैं उसके साथ चला गया। अभी पिछले दिन की बात है, तो मैं उसके साथ गया, तो मैंने वहाँ पर जाकर वो नया ही ले लिया, हमने उस तरह भी नया ले लिया, कैंची भी नहीं ले ली है, और एक और चीज़ ली है वो ये मुंह पर मारने के लिए जो हाथों पर वगैरह वो जो मैल वगैरह होती है वो सारा ये गर्द जमी होती है तो फिर वो उससे उतर जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये उस तरह भी ले लिया है, वो जो हमने वो शॉप होती जहाँ से ये मिलते हैं सस्ते में, क्योंकि वो आपको पता है अरसलान जो है सलोन का काम सीख रहा, तो वहीं पे गए हम, तो वहाँ से ही देख नया लिया हमने,
नया लिया हमने, इसमें कुछ नहीं डाला अभी, ब्लेड वगैरह इसमें नहीं है, नया ही है बिल्कुल, अभी एक बार भी यूज़ नहीं किया मैंने इसे। तो मैं तो उसे, मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता, वो खुद ही है करेगा रसलान ही। तो मैंने ये घर में ला कर रख लिया क्योंकि उससे तरीका तो है, तो अब से जो है वो खत घर पर उसी से करवा लिया करेंगे। और आपको मशीन का तो मेरा पता है, वो मैंने पहले ही ला कर रखी हुई है, वो तो मैं खुद ही करता था। और ये कैंची भी है, ये भी नहीं ले ली, और ये ले लिया थी जी, ये कॉटन लोशन इसे कहते हैं मेरे ख्याल में, लेकिन नाम इसका कुछ और है, ये छुपा हुआ है। तो ये उसने कहा था इसकी कीमत नहीं बतानी, ये दुकानदार जी, वो ये जो हमाम वाले होते हैं इसकी कीमत जो है वो ज़्यादा बताते हैं, लेकिन इतना महंगा नहीं होता, ये आपको बता दूँ। ये होता जी ऐसे ही, इसे भिगोकर और ऊपर ऐसे मलते हैं, तो फिर इससे सारी जो है मैल होती है जिस्म की, उसके ऊपर लग जाती है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ अभी, ये भी मैं लगा कर दिखाऊंगा आपको। अक्सर मेरे ना ज़्यादा यहाँ पर गर्दन के पीछे ही होती है मैल, और यहाँ फिर चेहरे पर तो कम ही होती है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ लगा कर, कुछ तो उतरेगी। आहिस्ता ऐसे ऐसे लगा लें, आँखों से ऐसे परहेज करना, आँखों पर नहीं लगाना। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें ऐसे ये सारी निकल जाती है। यहाँ पर तो मेरे चेहरे पर तो ज़्यादा थी नहीं, क्योंकि मैंने पहले मुँह धो लिया। असल में मकसद जो था वो मेरा यही था कि मैं खुद चाहता था कि ले लूँ, पता क्या, क्योंकि इससे ना जो इंसान बीमारियों से बच जाता है, वो मैंने देखा शॉप पर लगाते हैं उस तरह, ब्लेड भी काफ़ी जो है, ये जो यहाँ पर लगाते हैं ना गर्दन पर, ये नीचे कानों पर बाल काटते हुए, वो उसका ब्लेड नहीं वो जल्दी चेंज करते, खत वाला तो चेंज कर लेते हैं, उसका नहीं जल्दी चेंज करते, मैंने देखा। तो मेरे एक दो दफ़ा उसने यहाँ पर लगाया, तो मुझे यहाँ पर जो है वो ऐसे हो रही थी उलझन सी फील हो रही थी मुझे, ऐसे इरिटेशन सी, तो मैंने इसलिए मैंने सोचा अपना ही ले लेते हैं। अब ये सेफ़ है, मुझे ये तो पता है कि मैं ही इस्तेमाल करता हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल में ऐसा आपको भी एक रख लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक होता है ये आपकी अपनी सेहत के जो है वो, इससे कुछ नहीं बढ़कर नहीं होता सेहत से ज़्यादा। प्राइस में ये बहुत ही सस्ती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको भी ला कर रख लें, क्योंकि ये 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का, और ये तो मैंने बताना ही नहीं। तो खैर ये भी बहुत सस्ता है, आपको ज़्यादा महंगा नहीं है ये भी, तो ये मैं बता दूँ आपको। तो इससे जो है वो कम रेट पर भी हैं चीज़ें, ये तो हमने सबसे अच्छी वाली चीज़ें ली हैं, क्योंकि मैंने कहा यार ले लेते हैं कौन सी ये महंगी, इसमें भी 60 रुपये वाला भी पड़ा हुआ है, ये ऐसा ही होता है, वो थोड़ा सा ये प्लास्टिक चेंज होता है बस, और इसमें 150 वाली कैंची भी होती है, ये 200 रुपये वाली अच्छी सबसे। तो आप घर पर ला कर रख लें जी। ये कह रहा है मेरी भी बनानी, और मुझे भी नहीं वीडियो बनाने दे रहा यार, बदतमीजी ना कर यार। ये मेरा अभी दोपहर हो गई, काफ़ी 2 बज गए हैं, तो ये देख रहे हैं सारा सूजा हुआ, अभी तक दर्द जो है कम नहीं हुई। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ इधर उधर काम करके इसको लगवा लूँ, लेकिन बस ना क्या। तो अरसलान कह रहा है कि इंजेक्शन जो है ना वो मत लगाए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ लगवा लें, क्योंकि अभी अरसलान ने भी जाना शादी पर, इसने ना लगवाया तो बस में से निकाल के बाहर फेंक देना। और कुछ नहीं घर में बकरे जो हैं आज, अभी इसके बाद मेरी बारी है, इन आवाज सही करने दादी जड़े उधर ना कटा के लेते, चाचू ने सारे खराब करा ले है। और रुक जा चलना है। कुछ नहीं मशीन चार्जर पे लगा दी, बाकी सामान रसलान को दिए हैं मैं, ब्लेड लेने गया हुआ अभी, वो आता है तो फिर शेव करते हैं। तीन मुन्ना यार यहाँ पर सारा गंदा है, रुक जाओ कपड़ा पकड़ लो साफ तो कर लें। गाना लगा वीडियो में छोड़, कह रहा गाना लगा वीडियो में छोड़, ये लगा रहा मेरे लगाओ यार, मुझे पता वीडियो में दिखाना तो है ना कैसे कर रहे तुम खत मेरा, पहले तो पानी तो लगाओ इसे गर्म करो। ये देख नाई अपने गाह के लिए खुद ही कुर्सी लेके आ रहा है। अब ये कह रहा जी छत पे करना है, तो मैंने कहा चलो ले आओ कुर्सी खुद ही, मेरे तो हाथ दर्द कर रहा है, यहाँ पर रख दो यार छांव में। चलो ये मैं इधर सेट कर दूँ, आदमी जी ना पड़ो यार तू एक दी और उधर तू मैल फेड़ी फेदा खराब हो तो
ਕੋਨੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੜੋ ਕੇ ਕਰਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਨਵੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ जी ये देख लें और एक तो बाजू यार मेरा सुबह से ना बार बार गलती से ना पकड़ लेता हूँ ये देख लें जी हो गया सारा और ये कानों पर भी बहुत बड़े बड़े आए पड़े थे बाल ये सारे काले ने सेट कर दिए अब और अजान भी हो रही है तो नहाते हैं फिर नहाना तो पड़ेगा क्योंकि ऐसे बालों में नमाज तो नहीं होती फिर पढ़ी नहीं जानी मुझसे इतनी बहुत जलन हो रही है तो पहले नहा लेते हैं फिर चलते हैं फिर घर ये काला अपना सामान उठाते हुए एक छोटा सा जे किशन पकड़ा था मैंने सोचा हाय हाय मैंने सोचा तो ये है मंगूली मेरी खातिर बनाई गई है डरा तेरा जे किशन लगाना भूल जाने के काबिल नहीं है अगले पल उसने जे किशन लगाया मैं भी पुरजोश था मुस्कुराया बात कुछ पल की थी जो के गुजरे बाद में मैं भी मदहोश पड़ा था तेरा जक सुन लगाना भूल जाने के काबिल नहीं है भाई रात मैं सीधा पड़ा था करवट लेना भी मुश्किल बड़ा था सारी रात मैं सीधा पड़ा था करवट लेना भी मुश्किल बड़ा था तेरे छोटे से टीके ने मेरी पूरे बाजू पे असर किया था तरा तेरा जकिशन लगाना भूल जाने के काबिल नहीं है रात यूं आज गुजरी है मेरी ऐसी थाने में गुजरी नहीं है तेरा तेरा जकिशन लगाना भूल जाने के काबिल नहीं है आखिर में शेर कलाई ना पकड़ा करो बहुत कहा है तुमसे एजान बात कपड़ों की नहीं वैक्सीन के असरात मचल जाते हैं और एक और मैं गाना गा रहा था पता नहीं कौन था वो दर्द वाला हाँ दर्द रुकता नहीं एक पल भी दर्द रुकता नहीं एक पल भी जब से तूने है वैक्सीन लगाई दर्द रुकता नहीं एक पल भी जब से तूने है वैक्सीन लगाई मैंने पहना डॉल भी है खाई मैंने इस पे मरम भी लगाई लेकिन ये ना माने किसी की ये ना माने लेकिन किसी की जिन्हें दी है ये रो दो दुहाई दर्द रुकता नहीं एक पल भी जी ये भी मुझे पता नहीं चला था इन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक किया है मेरी चोरी वहां पर बैठकर वीडियो बनाई है मैं इतना पागल हूँ मैंने इधर ध्यान नहीं दिया खैर लेकिन मैंने इन्होंने मुझे ज्यादा कहा कि नहीं नहीं लगाओ लगाओ तुम तो लगा रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वैसे ही मैं ऐसे शुगल में लगा हुआ था तो मैंने इनको सुना रहा था सारे घर वालों को तो इन्होंने रिकॉर्ड कर ली खैर आपको भी पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़ और मेरा बाजू जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि इतना ठीक हो गया कि मैं कैमरा पकड़ लेता ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ सेकंड के लिए पकड़ लेता हूँ इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बंद कर रहा हूँ तो अपना ख्याल रखिए पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह